वेलकम टू माय अप्सरा किचन। पालक पनीर की सबसे इजी रेसिपी मेरे इस वीडियो में। पालक पनीर की इस रेसिपी को आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। पहले हम पालक को ब्लांच करेंगे, तो एक पतीले में पालक डालें, थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ा सा हम अदरक डालेंगे इसमें, आधा चम्मच चीनी डालेंगे हम, इससे हमारे पालक का कलर चेंज नहीं होगा। इसमें पानी डालें, मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी लिया है, आप अपने पालक के हिसाब से लीजिएगा पानी। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और इसे 2-3 मिनट के लिए ब्लांच करेंगे। हमारा पालक अच्छे से ब्लांच हो चुका है, गैस को ऑफ करेंगे, इसे प्लेट में अच्छे से निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसे मिक्सर में आप पेस्ट बना लें। पैन को गैस पे रखिए और इसमें सरसों का तेल डालेंगे, आप घी भी डाल सकते हैं। तेल गरम होने के बाद मैंने यहाँ पे साबुत मसाला डाला है। साबुत मसाले में मैंने इलायची डाला है, दालचीनी, आधा चम्मच जीरा, ये 2 साबुत लाल मिर्च। मसाला लाल होने के बाद हम इसमें कटी हुई अदरक डालेंगे, कटी हुई लहसुन डालेंगे थोड़ा सा। हम इसे लाइट ब्राउन होते तक चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज बारीक कटी हुई, इसे लगातार चलाएंगे, प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को लो करके हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। मसाले में मैंने लिया आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। अगर आपको नहीं डालना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे साबुत धनिया को रोस्ट करके क्रश किया था, वो हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, इसकी जगह आप दही भी यूज कर सकते हैं। दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें डालें और दही आपकी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। टमाटर को हम इसमें अच्छे से पका लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से कुक हो गया है, साइड साइड से तेल दिख रहे हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे पालक की प्यूरी, उसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसे हम हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। पालक हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर मसाला, आप इसकी जगह गरम मसाला डाल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे हम कसूरी मेथी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम।
अब हम इसमें डाल लेंगे पनीर के क्यूब्स। आप पनीर फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है ये। हमारा पनीर टूटे ना, इसलिए हम इसे आराम से अच्छे से मिक्स करेंगे। एक गिलास यहाँ पे पानी डालेंगे। पालक पनीर हमारा गाढ़ा ही होना चाहिए। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिला लीजिए इसे। 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि सारे मसाले पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो तैयार हो गया इस बहुत ही आसान तरीके से ढाबे जैसा पालक पनीर घर पे ही। इस रेसिपी को आप भी अपने घर पे बनाइए बहुत ही आसान तरीके से।